हेलो जी, राम राम। आज का वो लोग शुरू कर रहे हैं शाम के टाइम से, और मेरा क्या काम चल रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और दो तीन दिन से इतनी आग के जैसे घोड़े बरस रहे हो ना, इतनी तेज धूप थी। और आज मौसम अभी शाम के जस्ट 4 बजे है, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, रिलैक्स हो रहा। सुबह भी बूंदाबांदी आई थी लेकिन धूप बहुत तेज थी, सब कुछ देखो कैसे सूखा पड़ा है। और गेहूं मैंने 3 कट्टे धोए थे, तो 3 कट्टे धो के मैंने लाइन में इकट्ठे करके लगा दिए, क्योंकि आगे आ रही है बारिश के मौसम। तो बारिश के मौसम में गेहूं धुलेंगे नहीं और सूखेंगे भी नहीं, तो धोने को तो धो लेंगे लेकिन सूखेंगे नहीं और फिर उनमें हो जाएगी स्मेल। तो बारिश शुरू होने से पहले हमारे बोलते हैं कि भाई नाज धोना है तो चौमासा आना से पहले पहले धो लेना चाहिए, तो वही काम हो रहा है। आंधी शुरू हो गई है, पेड़ हिलने लग गए हैं और मैंने पशुओं को सैनी कर दी है, वे अपने खानों खा रहा है। अब 4 बज गए, मैं उनको पिलाऊंगी पानी, फिर 4:30 बजे मैंने दूध निकालना है। तब तक मैंने अपनी ठान ठीक कर दिया है, गोबर डाल के रख दिया है। इन दोनों माँ बेटी खाना खा रही हैं, उसका ख़त्म नहीं हुआ है, उसको भी खिला के। और अब मैं इनको पहले पिला देती हूँ पानी और व्लॉग जल्दी ही डालूंगी। तो व्लॉग में अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखना, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। राम राम जी। बस मेरा ये काम भी सुलट गया है, इन सबको पिला दिया है मैंने पानी। पानी पिलाने के बाद में अब मैं इनकी ये बाल्टी उठा लूँगा, ये सारी भी लुढ़का देगी और सारा अपना जो ठान है एन सारा गिल्लो कर देगी। अभी इनके थोड़ी सी चाट की सैनी बच रही है तो ये उखाण में लाग रही है। जो पानी छोड़ दिया है वो मैं डाल दूँगी पौधा में, एक बाल्टी का तो पौधा में डल जाएगा जो ये संतरा का पेड़ है इसमें, और एक बाल्टी जो बाछी ने छोड़ी हुई है वो डालूँगी रेत का कुड्डा के ऊपर, ताकि जैसे गर्मी है तो हवा से उड़ उड़ के रेत दूर तक जाए है वो जमियो रवेगो। ये काम कराया करूँ। बाल्टी मैंने धो ली सी अपनी और ये सारी बाल्टियाँ इकट्ठी करके मैं भर लूँगी। बर्तन मैंने दोपहर के 3 बजे चाय बनाई थी तभी मांझ के ये सारा रख दिया था। ये दूध वाला ये तो सुबह बखत ही मांझ गया था, डरिया तो नहीं था कि मग सूख जाएगा, और ये दोबारा से ये पाइप फूट रही है, सारा गिल्ला हो गया है। पर कोई बात ना, चलो उठा कर रख दूँ। और ये देखो दोनों बोल रहे हैं कबूतर, क्योंकि यहाँ पड़ा हुआ है चौक में थोड़ा सा दाना, तो ये अपना दाना चुग रहा था। अभी जैसे मैं चौक में घूम रही हूँ आंगन में, तो ये थोड़ा बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है। एक बार एक दो दाना गेहूं का उठा कर चोच में ले जाए इसे, फिर ऊपर बैठ जाए इसे, और दोपहर में यहाँ भी पानी छिड़क देते हैं तो ये रेत उड़े ना, ये जमया रवे से। और हांडी भी मैंने पानी की भर कर रख दी है, वो भर कर रखा करूँ। सारी बाल्टी ढूंढ ढूंढ कर ले आए थे, सारी अन्न भर कर इकट्ठी रख एक जगह रखूँगी, और ये बर्तन अन्न में ठाई के रखूँगी, फिर करूँ एक और नया काम, वो आप मैं दिखाऊँ। आप देखो मैं क्या कर रही हूँ, आज कुछ नया काम दिखा रही हूँ। ये धो रही हूँ मैं गेहूँ, 4 बज का टाइम हो गया है शाम का। ये गेहूँ मैंने धो दिया है, ये 3 कट्टा गेहूँ था पैर खाता का, एक एरा एक एरा एम, एक दो बाल्टी और उड़ेगी, तो इतना अड़ंगा मैंने निकाल दिया। और ये 4-5 बाल्टियाँ मैंने भिगो दिया है, इन मैं इन्हें धोऊँगी फिर वह बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि अपने बेरो है एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में काम ना चल रहे। मैं ऐसे पहले तो इसके ऊपर जो बिया आई रहा है, और मोटर चला रखी है, मोटर चला के जब दो रही हूँ वहदा पानी वेस्ट ना करा, पहले ना अच्छे से ऐसे हिला लूँ मैं। अभी ऊपर मोटी मोटी दोबारे जो डंकल आ गई उन्हें ऐसे निकाल दूंगी, पानी नहीं गिरा ये हो गया, फिर एक बार फिर करूंगी। इसका काम खत्म हो गया, अब दूसरी का कर लेगा, दूसरी बाल्टी का भी कूड़ा ऐसे उतार लूंगी, तीसरी बाल्टी का कूड़ा भी ऐसे उतार लूंगी मोटा मोटा करके, चौथी बाल्टी का कूड़ा भी ऐसे उतार दूंगी। ये देख रहा हूँ ये है पांचवी बाल्टी का कूड़ा, और सर अपने पुरानी पानी भर रहे हैं परली वाली में टंकी में, उरा वाली में, फिर घर वाली में चला देगा। मैं भी ऐसे घुमा दी, वॉशिंग मशीन की तरह एक बार घुमा दिया, और ये इडली काट दिए, फिर इन सारा भरूंगी मैं अच्छा अच्छा पानी।
इसका भी यही इलाज है। इसको वॉशिंग मशीन की तरफ घूमना है और बहुत सा दाना देख नीचे गिर जाए है झाड़ू के पहले दाना निकाल कितने डन पर और निकल और ये ऐसा साफ गेम निकल आया फिर देखिए आज तो दो दू ये दलिया वाला गेहूँ कल दूंगी खान वाला पुराना गेहूँ बच रहा है तीन कट्टा तो वे कल मैंने धोना है साइड में लगा रखा है और तो सारा देख लो 20-25 के 25-30 कट्टा था सारा सूट लिया खान वालों एक कट्टो खायो है 2 महीना में और वैसे हम सुलटा दिया इतना पशुआ ने पशुआन में अनाज लग गए इंसान ना इतना थोड़ी खाए जाए ये एक भैंस ने 1 किलो को अनाज चाहिए नुबी को ना पानी तो बंदी बाल्टी है ना सुन पाओ मंडी कर दो थोड़ी पाट रही है या पाइप चल दी सारी अंबर जाए ये आया सी ताता तावड़ा होते हुए भाई जल्दी अफटाफट आपने तरीब तक ना धोया सी इतनी देर लगा दी और हमने दिखाऊं देखियो मेरा बाल के ऊपर कब्जो करके बैठे हैं बड़ी मुश्किल से बाल्टी भरण दी ही बोले तूने एक पैर वह गई और सिर्फ आधा घंटा में मैंने ये तीनों कट्टा धो दिया था ये देखो ये बैठा बाल पकड़ा कि एने देनो अपनी बाड़ी में पानी क्योंकि गर्मी 3 दिन तक बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही है आग सी बरस रही है और ये बाड़ी में पानी देगा नु कहना फिर मेरी बाजरी सूख जाएगी इन बाड़ी की चिंता मैं गेहूँ धो रही हूँ करो तो अपने टंकी तले के धो लीजिए पानी इवीन मैं धो दू फिर दिखाऊं ये तीनों कट्टा मैंने धो दिया है बाल्टी सारी धो के ना भर दी है यो कूद कर दियो है ये सर धो दी गई बुरा के है ना और मैं इन तीनों कट्टा ने सुखा दो मिल गई के एक बार उल्टा करके धो दिया एक बार सुलटा करके धो दिया तीनों कट्टा धो के सुखा दिया है और मेरा दरस देख लो कैसे हो सर पाओ बीज रहे हैं नाऊंगी मेरा तो शहर से कटी है तो खराब बीज रही है सारी इनमें ना लियो फिर धो लियो और फिर काटो फिर दूर उधर फिर एक बना के पीवा चाय नाक में चाल गो है पानी शैम्पू लिया हूँ कहीं धो लियो बाल शैम्पू ले लिया अपनों बाल धो लिया नाली फिर धो लियो मैं इधर हूँ बाल्टी मैं ले लूँ मेरे सूट आखियां बड़कू कर दो मीठी मीठी जोन जैसी चाल रही है बाजरा न जामे उड़ानो और वो कर दे नाल ही भाई दूध काट लियो वो आ गई दूध लेन खातर बना लिया चाय एक बढ़िया सी गाम इतना ज्यादा जाए आज जैसे गाम आयो ना फिर तो बाजरा में पानी देना पड़ जाएगा पिछली बार ना दिवायो थो पिछली बार पानी दिवायो थो।